नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या है वो जान लेते हैं जो आज के सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो सबसे पहली खबर है वो TGT 2013 से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं हेडिंग, TGT 4 विषयों के रिजल्ट पैनल जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने TGT 2013 संस्कृत संशोधित, TGT अंग्रेजी, TGT विज्ञान, TGT गणित का परिणाम घोषित करने के साथ साथ स्कूलों के आवंटन के साथ पैनल जारी कर दिया है। दोस्तों इनका रिजल्ट भी आ गया है और पैनल भी जारी कर दिया गया। पैनल का मतलब ये होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ पर कॉलेज है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आपका चयन किया गया, सारी सूचना पैनल में उपलब्ध होती है। अब ये पैनल आपका जो भी जिस ज़िले में आपका चयन होगा वहाँ के DOS ऑफिस जाएगा और वहाँ से आपके कॉलेज के थ्रू ज्वाइनिंग होगी, तो इसको बोलते हैं पैनल। तो इन विषयों का पैनल जारी कर दिया गया है। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं कुछ दिन बाद अपने DIOS से संपर्क करके कॉलेज में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे छपी हुई है और इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों का परिणाम इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है वो NEET PG को लेकर के, यहाँ पर NEET PG में 153 सीटें और बढ़ गई हैं और आज इसका परिणाम आएगा। ठीक है, देख सकते हैं पूरी न्यूज। NEET PG 2019 की सेकंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे की 153 सीटें और बढ़ गई हैं। इसके कारण प्रदेश के अभ्यर्थियों को और अतिरिक्त सीटें मिल सकेंगी। सीट आवंटन शनिवार को जारी होगा। दोस्तों इसका जो सीट आवंटन है आज जारी होगा। तो ये दोस्तों इसकी पूरी न्यूज है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जितने भी विषय का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है और उसके आंसर की IAS हर विषय में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं समाज शास्त्र की उत्तर कुंजी पर विवाद, ढेरों सवाल गलत। अभ्यर्थियों ने UPSC में दर्ज कराई अपनी आपत्तियाँ। सामान्य ज्ञान के 4 विषय के तकरीबन 10 सवालों पर आपत्ति। यहाँ पे देख लेते हैं न्यूज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए 12 जनवरी को आयोजित लिखित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विषयों के जानकारों का दावा है कि तकरीबन सभी विषयों के पेपर में गलत सवाल पूछे गए और सबसे अधिक गड़बड़ियां समाज शास्त्र के पेपर में हुई। समाज शास्त्र विषय में कई सवालों के उत्तर या तो गलत हैं या विकल्प में मौजूद ही नहीं हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 सवाल पूछे गए थे जिनमें 30 सवाल सामान्य ज्ञान के थे, बाकी 70 प्रश्न विषय से संबंधित थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के अतिथि प्रवक्ता सतीश कुमार उपाध्याय ने सामान्य ज्ञान के 4 और समाज शास्त्र के तकरीबन 10 सवालों को गलत ठहराया है। तो दोस्तों यहाँ पर आयोग की तरफ से काफ़ी बड़ी ये गलती है कि हर विषय में यहाँ पर सवाल गलत हो रहे हैं, विकल्प गलत हो रहे हैं। और आयोग ने ये भी कहा है कि जो विशेषज्ञ ये प्रश्न पत्र तैयार किए हैं उनसे अब काम नहीं लिया जाएगा, नए विशेषज्ञों से यहाँ पर चयन करके आगामी भर्तियों में उनसे काम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन वाइज दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्या है, तो ये आप देख सकते हैं पूरी न्यूज यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आज UP बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज आ रहा है। जो भी छात्र हैं बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि आज उनका रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 का रिजल्ट शनिवार को जारी होगा। प्रयागराज मुख्यालय पर प्रभारी शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे व सचिव नीना श्रीवास्तव 12:30 बजे परिणाम घोषित करेंगी। दोनों रिजल्ट एक साथ जारी होंगे। दोस्तों ये दोनों रिजल्ट आ रहे हैं आज 12:30 बजे हाई स्कूल इंटर का। आपको रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट मैं वहाँ पर बता देता हूँ। पहली जो आधिकारिक वेबसाइट है https://upmsp.edu.in ये एक वेबसाइट है। दूसरी uprezults.nic.in है और तीसरी जो प्रमुख वेबसाइट है वो हमारी खुद की वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, governmentjobcenter.blogspot.com। ये इस वेबसाइट पर भी आपको रिजल्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है,
वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ यहाँ पर यूपी बोर्ड से ही रिलेटेड है कि जो भी छात्र जिन लोगों का आज रिजल्ट आ रहा है अगर उनको परिणाम से रिलेटेड या उनका नाम गलत है मार्कशीट में या फिर उनका नंबर नहीं शो कर रहे हैं, गलत नंबर चढ़े हैं, गलत विषय चढ़ा हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर बोर्ड ने पूरा उनको लिए सहायता कक्ष बनाया है। अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, ठीक है, वो चाहे किसी भी जोन से हों, इलाहाबाद से हों, मेरठ से हों, आगरा से हों, बरेली से हों, वाराणसी से हों, गोरखपुर से हों, कहीं के भी हों, सबके यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए, ईमेल आईडी भी दी गई है। ये दोस्तों यहाँ से आप अपना पूरा सही करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इसको लेकर के बोर्ड बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पैनल है, सहायता कक्ष है, कल 28 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। 28 अप्रैल से लेकर के 29 मई तक ये पैनल बैठेगा और जो भी आपको दिक्कत है यहाँ से अपना सही करा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो अभिलेख सत्यापन का काम है वो शुरू हो चुका है। तो कल रेलवे इलाहाबाद में पहला दिन था और यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। पहले दिन 75 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें 52 अभ्यर्थी दस्तावेजों की जाँच कराने के लिए उपस्थित हुए। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और जो लोग यहाँ पर सक्सेस हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इनका अब मेडिकल कराया जाएगा जो कि प्रयागराज, कानपुर, झांसी और आगरा के रेलवे अस्पताल में किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है 14 जून तक चलेगी। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। अगर आपका भी इसमें एग्जाम है तो अपना डेट के अनुसार अपना सत्यापन करा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है एसएससी मध्य क्षेत्र को लेकर के। एसएससी सीआर आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल रीजन जो इलाहाबाद के अंतर्गत आता है, इसका हेड ऑफिस इलाहाबाद में है। तो उसका कार्यालय अब नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले ये जो इस भवन था लाउदर रोड पे था, लेकिन अब ये लाउदर रोड से हटा करके सिविल लाइन पर कर दिया गया, ठीक है। सिविल लाइन में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई काम है तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, उसे काम तो पड़ता ही रहता है, इसलिए मैंने ये सूचना आपको दे दी, ठीक है। अब सिविल लाइन्स में केंद्रीय भवन के चौथे और पाँचवें तल पर यह संचालित किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है डीएलएड रिजल्ट को लेकर के। इसका रिजल्ट का भी काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों डीएलएड का यानी बीटीसी का यहाँ पे दो सेमेस्टर की परीक्षा में 83,000 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। डीएलएड 2017-18 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 3.5 लाख से अधिक ने इम्तहान दिया था यहाँ पर। तो पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने वाले डीएलएड कॉलेजों की पढ़ाई की कलई फिर खुल गई है। डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर व डीएलएड 2017 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में प्रदेश भर के 83,000 से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। इम्तिहान में करीब 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुक्रवार देर शाम रिजल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर व डीएलएड 2017 द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब इसका भी रिजल्ट देखने में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है, इन्हीं वेबसाइट का प्रयोग करें, ठीक है। पहली जो वेबसाइट है updlinfo.in, ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर देख सकते हैं आप। और दूसरी जो वेबसाइट है वो है btcexam.in, इस वेबसाइट पर आप भी दे सकते हैं। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। यहाँ पे आपको पता होगा केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% EWS रिजर्वेशन लागू किया गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन बरेली विश्वविद्यालय जो इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा करा रहा है वहाँ पर सामान्य वर्ग के आरक्षण पर असमंजस बरकरार है। कारण क्या है कि अभी तक यूनिवर्सिटी को सर्कुलर नहीं मिला, सरकार का आदेश नहीं मिला है कि इस बार इसमें बीएड में इनको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो अगर यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई इनको सर्कुलर नहीं मिलता है तो जितने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो लोग राह देख रहे हैं कि उनको 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, इस साल उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है अगले साल मिले, ठीक है। कारण एक ये भी है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सर्कुलर जारी होना थोड़ा सा मुश्किल है, एक कारण इसमें ये भी बताया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे सर्कुलर मिल जाता है बरेली यूनिवर्सिटी को तो असम आरक्षण मिल सकता है, नहीं तो इस साल बीएड में आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है।
वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है लोक सेवा आयोग के लेकर के, आप देख सकते हैं माया अखिलेश राज की भर्तियां हों पूरी। दोस्तों आपको पता होगा लोक सेवा आयोग पर इतनी भर्तियां हैं, इतनी भर्तियां हैं कि लोक सेवा आयोग खुद परेशान है। अभी तक मायावती की और अखिलेश के टाइम की यहाँ पर भर्तियाँ नहीं पूरी हो पाई हैं, फिर अभी तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, जब पुरानी भर्तियाँ पड़ी हैं तो बोर्ड के ऊपर बहुत सा दबाव है कि 2009 तक की अभी भर्तियाँ यहाँ पे पेंडिंग है, 2009 से लेकर के 2019 10 साल की भर्तियाँ का दबाव है, इसलिए आयोग इतना धीरे धीरे कर रहा है। आयोग का कहना है कि काफ़ी भर्तियाँ हमने पिछले एक साल में काफ़ी पुरानी भर्तियों के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं, अगर हम इसी तरीके से करते रहे तब भी 2019 में बैकलॉग जितनी भी भर्तियाँ हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ पाएगा, पूरी नहीं हो पाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरी न्यूज़ छपी हुई है, ठीक है, और नई नई भर्तियाँ अभी पूरी हो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना समय लगेगा यहाँ पर। इसी तरह ये एलटी गेट का भी मान सकते हैं कि अगर इतना व्यर्थ धरना प्रदर्शन ना करें तो एलटी गेट का रिजल्ट भी आने में 2-4 साल लग जाते हैं। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है कानपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो छात्र कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं वो यहाँ पर न्यूज़ दे सकते हैं। CSJMU कराएगा 2 से 5 मई तक वाइवा, जिन अभ्यर्थियों का वाइवा है वो लोग डेट ध्यान से देख लें, 2 से 5 मई के बीच वाइवा होगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन बीकाम तृतीय वर्ष व परास्नातक पाठ्यक्रमों की वर्ष 2019 की व्यक्तिगत परीक्षाओं के वाइवा 2 से 5 मई तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराए जाएंगे, ठीक है। यह 2019 का वाइवा दिया है प्राइवेट छात्रों के लिए। वहीं पर जो पिछले छात्र हैं 2017-18 सेशन के हैं और पिछले हैं उनका वाइवा छूट गया है यहाँ पर, तो वो लोग 300 रुपये का शुल्क दे करके उसका अपना प्रवेश पत्र और रसीद जमा करके संबंधित केंद्र में शामिल हो सकते हैं। 2018-19 के वाइवा के अंक ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही 1 हफ्ते के अंदर हर परीक्षा केंद्र को हार्ड कॉपी भेजनी होगी विश्वविद्यालय को। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज है, यहाँ पर डेट वाइज भी वाइवा दिया गया किस तारीख को कौन सा वाइवा होगा। बीकॉम तृतीय वर्ष एमए उत्तरार्ध राजनीतिक विज्ञान उर्दू संस्कृत अंग्रेजी 3 मई को होगा, इसके पूरी न्यूज़ यहाँ पे दी गई है सब्जेक्ट वाइज, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज यहाँ पर यही थी। अब दोस्तों सारी न्यूज़ यहाँ पर आज की फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बगल में बेल का निशान आएगा उसको भी दबा लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।